लोकसभा चुनाव के मद्देनिर्देश का सियारी पारा हाई है। जनसभाओं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को राजस्थान के अनूपगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ी चुनावी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला के खाते में तब तक 1 लाख रुपए डाले जाएंगे जब तक वह परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि पैसा खटाखट आता रहेगा और एक झटके में हम हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। दरअसल राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। इसी के मद्देनजर राहुल गांधी ने बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के अनूपगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के चुनावी वादों को दोहराया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए देश को मोदी सरकार बहुत महंगी पड़ी। उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की एक महिला को कांग्रेस की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डालेगी। आप अगर गरीब हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे छोटे छोटे कारखाने में काम करते हो, यदि आप गरीब हो तो आपके परिवार की एक महिला को महीने के 8,500 रुपये साल का 1 लाख रुपये सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी। ये पैसा सरकार उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकल जाओगे। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे हो तो आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपये यानी 8,500 रुपये हर महीने आता रहेगा और एक ही झटके से हिंदुस्तानी से हम गरीबी को मिटा देंगे। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने युवाओं के लिए भी अपने चुनावी वादे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपये की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। सरकार बनने पर 30 लाख सरकारी नौकरियां सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरेंगे। पेपर लीक से मुक्ति मिलेगी। पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां लाई जाएंगी। गिग वर्कर के लिए बेहतर कामकाजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड भी दिया जाएगा। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।